ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత పోలీసులు తనిఖీలు ముమ్మరం చేశారు. ఈ క్రమంలో ఆసిఫాబాద్ జిల్లా వాంగిడి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో శనివారం సరిహద్దు చెక్పోస్టుల వద్ద నగదు పట్టుబడింది. మహారాష్ట్రకు చెందిన సునీల్ పద్మవార్ కారులో వేములవాడ వెళ్లి షాపింగ్ కు వెళ్తుండగా వాంగిడి మండలం గోయేగాం చెక్పోస్ట్ వద్ద పోలీసులు తనిఖీలు చేశారు. కారులో 1,50,000 నగదు లభించింది. పోలీసులు నగదును సీజ్ చేశారు. అయితే సునీల్ సంచా కుటుంబ సభ్యులు వేములవాడలో పెళ్లి షాపింగ్ కోసం డబ్బులు తీసుకెళ్తున్నట్లు తెలిపారు. సరైన పత్రాలు చూపించకపోవడంతో డబ్బులు సీజ్ చేసినట్లు సిర్పూర్ ఎస్ఐ రాజు తెలిపారు. ఎన్నికల సందర్భంగా వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తుండగా చంద్రపూర్ నుంచి మహారాష్ట్ర పాసింగ్ వెహికల్ ఒకటి వస్తుంటే అందులో వెహికల్ చెక్ చేయగా వాళ్ళు షాపింగ్కి వెళ్తున్నా అని చెప్పి అందులో 1,50,000 రూపాయలు దొరకడం జరిగింది. ఆ అమౌంట్ను సీజ్ కూడా చేయడం జరిగింది. సీజ్ చేసి ఆ ఎఫ్ఎస్టీ వాళ్లకు एक्चुअली हम लोग अभी पुलिस स्टेशन वाकड़ी में है. एक्चुअली वी आर फ्रॉम चंद्रपुर. तो हमारा इकड़े राजराजेश्वर जो है वेमुलवाड़ा वहाँ पे कुलदेवत है. तो हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे क्योंकि जनवरी में हमारी शादी है. तो और वहाँ से ही आते आते हम लोग शॉपिंग करने वाले थे क्योंकि सब लोग बोलते कि आंध्रा में कपड़े अच्छे मिलते हैं, साड़ियाँ अच्छी मिलती करके. तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कैश लेके जा रहे थे 1,50,000 रुपीज़. तो वो कैश हम टोटली शॉपिंग के लिए लेके जा रहे थे. कुछ गोल्ड चांदी वांदी के बर्तन हमको खरीदने थे और साड़ियाँ खरीदनी थी. तो वी आर नॉट अवेयर कि यहाँ पे जो इलेक्शन ड्यूटीज चल रही है तो यहाँ पे हमको पता नहीं था कि 50,000 से ज़्यादा हम लोग लिमिट नहीं लेके जा सकते थे. तो हम लोगों को यहाँ पे इन्होंने जो हमारे एक तो अमाउंट ले ली और उसके बाद वो पंचनामा वो सारी चीज़ें चल रही है. और अमाउंट भी बहुत ज़्यादा नहीं था. शादी के शॉपिंग के लिए हम लोग लेके आए थे सिर्फ 1,50,000. एंड इट्स नथिंग अबाउट एक शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करेंगे तो हमको इस वजह से बहुत एक तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा हमारे. एक तो इन्होंने पूरी कैश ले ली और हम मैक्सिमम हम तीनों चार लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई है इसलिए छुट्टियाँ थी तो हम लोग जा रहे. तो अभी ये लोग बोल रहे कि तुम 2-3 दिन बाद आओ, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ. बलाकल हमने इनको मैसेजेस भी दिखाए बैंक के कि हमने ये बैंक को इस दिन से अमाउंट निकाली थी करके. बट ये लोग सुन नहीं रहे. हम हमको यहाँ पे कैश वापस भी नहीं दे जा रही है और अब तो हमारे पास जाने के लिए भी पैसे नहीं है, कार में पेट्रोल डालने के लिए भी पैसे नहीं है बिकॉज इन्होंने हमारी पूरी कैश ले ली है. तो गवर्नमेंट से मेरा इतना ही कहना है कि एटलीस्ट जब भी तुम्हारा इलेक्शन ड्यूटी या फिर ये सारी आचार संहिता जो बोलते हैं जब चालू होते हैं तो सारे आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट को या फिर स्टेट को अवेयर किया जाए कि इतनी कैश तुम अदर स्टेट में कैरी नहीं कर सकते ताकि हम जैसे जितने भी सामान्य लोग हैं उनको ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम में ना आए करके इन फ्यूचर हमारे जैसे बाकी भी लोग होंगे इनको भी आगे प्रॉब्लम ना हो करके. बिकॉज ये कैश बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है कि मतलब हम लोग इसका मिस यूज करेंगे बिकॉज रिपोर्टेड जॉब्स एंड ऑल दिस थिंग्स. और हमने ये खुद कैश हमारी इनको दिखाई, हमने कुछ भी छुपाया नहीं था. वो लोग ऊपर चेक कर रहे थे बट हमने हमारे बैग में से खुद से इनको निकाल के दी. तो हालांकि ऐसा कुछ होता तो हम दिखाते नहीं हमारी कैश जो छुपाई मतलब अंदर बैग में रखी थी. तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. इससे हमारा पूरा डिस्प्यूट हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, मनी वेस्ट हुआ. अब तो हमारे पास जाने के लिए भी पैसे नहीं, इतनी बेकार सिचुएशन आके. तो होप सो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए. हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं बट दे आर नॉट आंसरिंग. और अवेयरनेस देना चाहिए कि ऐसे ना हो करके ताकि हमारे जैसा प्रॉब्लम बाकी लोगों को भी इन फ्यूचर फेस ना कर सके. और एक तो मेन है लैंग्वेज बैरियर. हम लोगों को हिंदी मराठी आती है, यहाँ पर तेलुगु है, वहाँ पे मतलब वो भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा कि लैंग्वेज में भी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही. इधर के रूल हमको पता नहीं रहते. तो एटलीस्ट जब भी इलेक्शन या फिर ऐसा कुछ क्रिटिकल टाइम आता है तो सभी जगह पर गवर्नमेंट ने अवेयरनेस फैला देनी चाहिए कि ऐसा ऐसे रूल से अगर आपके पास ये प्रोटोकॉल फॉलो होंगे तभी आप इंटरस्टेट ट्रैवलिंग कर सकते हैं. बस थैंक यू.